बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर क्लास सेकंड ईयर के लिए है, आज हम जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कॉफ़ी। कॉफ़ी के फ़ायदे क्या हैं और कॉफ़ी के नुकसान क्या हैं। कॉफ़ी भी चाय की तरह एक पौधा है। पौधे के बीजों को बूंद पर बारीक पीस लेते हैं जिसे कॉफ़ी कहते हैं। कॉफ़ी दो तरह से तैयार किया जाता है, एक तो चाय की तरह, लेकिन कॉफ़ी को चाय के मुकाबले में देर तक पानी में उबालना पड़ता है। दूसरा ये कि कॉफ़ी को प्याली में डालकर ऊपर से उबलता हुआ पानी डालकर हल किया जाता है। हस्बे मंशा चीनी और क्रीम भी शामिल कर ली जाती है और चाय की तरह इस्तेमाल की जाती है। चाय की निस्बत इसमें मामूली गुज़ाइयत है। काफ़ी के तीन अज़ा हैं, काफ़ीन, टेनिन, खुशबूदार तेल। काफ़ीन एक कीमियाई मादा है। काफ़ीन के असरात भी टेनिन जैसे ही होते हैं। ये गुर्दों के अमल को तेज़ करके पेशाब लाता है और कब्ज़ को रफ़ा करता है। मजमूई तौर पर कौवा और चाय के असरात एक जैसे हैं। कॉफ़ी के फ़ायदे, नंबर एक, कॉफ़ी गुर्दों के अमल को तेज़ करके पेशाब लाता है। जिस्म में आज़ी तौर पर चुस्ती और फुर्ती पैदा करता है। कॉफ़ी सर्दी के एहसास को कम करने में और जिस्मानी हरारत को कायम रखता है। थकन के एहसास को कम करता है। ये अज़लात और साब के लिए बेहतरीन मुहर्रक है। डिमेरिट्स ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी के नुकसानात। कॉफ़ी के कुछ नुकसानात भी हैं। कॉफ़ी से नींद कम आती है और भूख नहीं लगती। कॉफ़ी मैदा और आंतरियों के अस्तर की झिल्ली को नुकसान पहुंचाता है। ये दिल और सांस की रफ्तार में इजाफा का बहस बनता है। नंबर चार, कॉफ़ी के ज़्यादा इस्तेमाल के बहस बदहज़मी और कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। ये था कॉफ़ी क्लास सेकंड ईयर के लिए आज का जो लेक्चर है। कल हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे इसके दूसरे पॉइंट को कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आज के लिए यही काफ़ी है। थैंक यू।